नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत की ये खास इंटरव्यू सीरीज। और मेरे साथ आज गुजरात के नौजवान नेता डॉक्टर प्रफुल्ल वसावा हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल वसावा आदिवासी मसलों पर उनके हक अधिकारों के लिए पिछले कई सालों से लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं और वो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जिन मसलों पर हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि इस बार गुजरात के चुनाव में आदिवासी मसले फोकस में क्यों हैं, आदिवासी मतदाता फोकस में क्यों हैं, क्या कारण है कि सारे राजनीतिक दल गुजरात के इस चुनाव में आदिवासियों की चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास इंटरव्यू सीरीज में। जी जोहार। जोहार। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या वजह है कि इस बार सारे राजनीतिक दल आदिवासियों की बात कर रहे हैं, आदिवासी मुद्दों की बात कर रहे हैं, आदिवासी फोकस में है इस चुनाव में? देखिए, आज तक जो ट्राइबल राजनीति जो जिस प्रकार से चली है, ट्राइबल वोट बैंक को जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने उसको अपने फेवर में किया है, इसमें ज्यादातर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आदिवासी वोट बैंक जो है ये सिर्फ चाहे पैसा देकर, चाहे वो दारू या फिर वो पैसा ऐसे लेकर या कुछ प्रलोभनों के कारण ही ट्राइबल वोट को जो है अपने फेवर में करते आ रहे हैं। लेकिन गुजरात के अंदर पहली बार जिस प्रकार से आज गुजरात के अंदर सामाजिक संगठन हो या फिर आदिवासी बुद्धिजीवी लोग है, जिस प्रकार से अपने समाज के हो या जे जल जमीन जंगल के अधिकार हो या फिर पांचवी अनुसूची के जो अधिकार है, इस पर जिस प्रकार से एक मुहिम चलाए, उसमें जो है सोशल मीडिया का भी एक अच्छा रोल रहा है। राजनीतिक दलों के हो या फिर गांव गांव तक जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार पहुंचाने के लिए, तो काफी लंबे समय से जो है हम जो है इसके लिए जन जागृति कार्यक्रम भी हम करते आए काफी सालों से, तो आज एक अच्छा परिणाम तो गांव गांव तक देखने को ये मिल रहा है कि ट्राइबल जो है वो सिर्फ अभी जो है कुछ प्रलोभनों के कारण अभी वोट नहीं देगा, अभी वो अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहा है, पैसा कानून की बात कर रहा है, फांसी अनुसूची की बात कर रहा है। तो इस बार जो है ये राजनीतिक पार्टियों का ट्राइबल वोट बैंक को अपने फेवर में करने इतना आसान नहीं है जो अब तक ये करते आए हैं, है ना। तो इस बार जो है आदिवासी अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बहुत ही सजग है और वो राजनीतिक पार्टियां जो है वो आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के लिए जो है अभी सबसे ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि इस बार पैसा या फिर कुछ प्रलोभन होने के कारण ट्राइबल वोट बैंक अपने फेवर में नहीं आएगी, तो अभी जो है ट्राइबल की जो मुद्दे है तो उसी मुद्दों के साथ जो है राजनीतिक पार्टियां आने की कोशिश अभी कर रही है। जी, और गुजरात में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के नेता हैं उनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आदिवासियों के लिए खास तौर पर कई तरह की घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुई हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप जैसे नौजवान जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, आप बीजेपी जैसी संगठित और ताकतवर पार्टी को जिसके पास नरेंद्र मोदी का नाम है उनका सामना कर पाएंगे? जी, क्योंकि ज्यादातर अब तक जो बीजेपी जिस प्रकार से आदिवासी वोट बैंक, वैसे आदिवासी वोट बैंक तो बीजेपी से काफी दूर रहा है, लेकिन कई बार जो है ऐसे कई जो लोग हैं जो प्रलोभन के कारण या फिर ये जिस प्रकार से बीजेपी को वोट देता आ रहा है, तो उसके सामने जो है पहले इतने बड़े आंदोलन आदिवासी समाज में पहले बड़े आंदोलन हुए भी है, लेकिन जो है उसको चाहे प्रेस मीडिया में हो या फिर आज एक जिले में आंदोलन हो तो दूसरे जिले में उसका पता नहीं चलता था, लेकिन पिछले आप देखिए कि कुछ 5-6 सालों में ऐसे आंदोलन गुजरात के अंदर आदिवासी समुदाय कर रहा है कि जो जिससे पूरे गुजरात के अंदर जो है हर ट्राइबल जिला जो है वो कनेक्ट हो रहा है, हर आंदोलन से जो है उसके खिलाफ वहां पर ज्ञापन पत्र हर तहसील और जिला लेवल पर पूरे ट्राइबल बेल्ट में दिए जा रहे हैं, जैसे कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जो जिसके कारण ट्राइबल के जो अधिकार छीने गए
उसी प्रकार जो वेदांता का प्रोजेक्ट, नर्मदा तापी पावर लिंक योजना का हो, चाहे भारतमाला के प्रोजेक्ट हो, कॉरिडोर के प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे हो, कॉरिडोर है, पोड़ो का जो इसी है वो है, और स्पेशल जोन एक लगाकर अंबाजी हो या सापुतारा में है, जिस प्रकार से ट्राइबल के अधिकार जो बीजेपी खत्म कर रही है वो सोशल मीडिया के जरिए ही, लेकिन वहां के आंदोलनकारी ने आज पूरे ट्राइबल क्षेत्र में ये मैसेज पहुंचाया कि बीजेपी जो है वो आदिवासी क्षेत्रों को जो है उसके जल जमीन जंगल के अधिकार आदिवासी संस्कृति के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। ये हमें ऑलरेडी, क्योंकि उनके जो कार्य है ये व्यापारियों की पार्टी है और व्यापारियों की पार्टी है, इसीलिए जो है ये जल जमीन जंगल संपत्तियों के लूटने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं कि जिससे जो है आदिवासी संस्कृति और उसके अस्तित्व हो या फिर जो हमारे संविधानिक अधिकार है उसको उल्लंघन करके ही हमारे क्षेत्र में वो ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी ट्राइबल क्षेत्र में वो अभी ना रहे, ऐसा प्रयास तो हर ट्राइबल युवा हर बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो अभी कर रहा है जी। और ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कई तरह के आंदोलन पिछले 10 साल में लगातार हुए हैं और खासतौर से पिछले कुछ सालों में तो ये आंदोलन काफी तेज हुए हैं और सफल भी रहे हैं। नर्मदा पार तापी लिंक प्रोजेक्ट पे पीछे हटना पड़ा सरकार को, लेकिन जब मैनिफेस्टोज की बात आती है, घोषणा पत्रों की बात आती है, तो अगर ये मान भी लिया जाए कि बीजेपी कि शायद उतनी मजबूत जमीन आदिवासी इलाकों में नहीं है, तो भी क्या आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा कह रही है, कुछ ऐसा भरोसा दिला रही है आदिवासियों को जिससे कि आदिवासी आम आदमी पार्टी पर अपना भरोसा जता सके, उसको वोट देना चाहे? जी बिल्कुल, जब हम पहले से ही जो है राजनीतिक तौर पर सामाजिक आर्थिक या शैक्षणिक हो या राजनीतिक जो बदलाव आना चाहिए उसमें जो है हम काफी सालों से हम प्रयास कर ही रहे, और इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जो सामाजिक संगठनों के साथ या सामाजिक लीडरों के साथ हमारे आम आदमी पार्टी के साथ सब पहला ही जो समझौता हुआ है कि गुजरात में जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ये पार्टी जो है जो आदिवासियों के साथ जो 75 साल से जो आदिवासियों के जो संविधानिक अधिकारों से जो दूर रखा गया है, जैसे कि पांचवी अनुसूची के बाद आज हर कोई पार्टी भी करती है, बीजेपी तो इस मुद्दे के ऊपर पांचवी अनुसूची के खिलाफ है क्योंकि उसको पता है कि अगर पांचवी अनुसूची लागू हो जाता है तो जिस प्रकार से जल जमीन जंगल संपत्ति जिस प्रकार से वो उद्योगपतियों को बेच रही वो बेच नहीं पाएगी। आदिवासियों के पास ग्राम सभा का पावर है संविधानिक तौर पर, ये इस पार्टी ने नहीं दिया, ये हमें भारतीय संविधान ने दिया है, लेकिन उसके खिलाफ भी जाकर जो है बीजेपी जो है गुजरात के अंदर आज डांग से लेकर आवा अंबाजी तक जो है ट्राइबल क्षेत्र में विविध जो प्रोजेक्ट जो है उसके नाम से आदिवासियों के उसको संस्कृति के खिलाफ भी जा रहे, आदिवासी अस्तित्व के लिए जो है वो खतरा बन चुके हैं, और जल जमीन जंगल संपत्ति है उसको जो है विकास के नाम पर अभी उसका नष्ट किया जा रहा है। तो आदिवासी तो पहले से ही प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और प्रकृति को जब भी नुकसान होता है आदिवासी समुदाय ही ऐसा है कि जो पूरे विश्व के ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकता है ना, आदिवासियों के पास ऐसा कोई स्वार्थ भाव नहीं है कि जो वो अपनी संपत्ति या फिर जल जमीन जंगल संपत्ति को बेचकर वो बड़ा उद्योगपति बने, लेकिन उसको जो है अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए आज जितने भी संघर्ष हुए पिछले 10 साल में जो बीजेपी सरकार के सामने जो अभी हो रहे हैं, तो इसे ये तो है कि आदिवासियों के जो ये मुद्दे पांचवी अनुसूची लागू करना बेहद अहम हो चुका है और आम आदमी पार्टी ने ये पहले ही कमिटमेंट दे दिया है कि गुजरात में हमारी जैसे ही सरकार बनी हम आदिवासी क्षेत्रों में पांचवी अनुसूची लागू करेंगे। ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी का जो चेयरमैन है वो सिर्फ अभी आदिवासी ही बनेगा, भाजपा सरकार में आज तक जो है वो गैर आदिवासी ही बन गया है, तो आदिवासियों के जो पावर है वो उनके पास रहा, इसीलिए वो लोग जो है आदिवासियों की संवेदना को समझ नहीं पाए, इसीलिए जो है हम कांग्रेस के ऊपर भी हम भरोसा क्यों है ना, कांग्रेस जो है 75 साल से जो है आदिवासियों के ये संविधानिक अधिकार क्योंकि झारखंड हो छत्तीसगढ़ हो या फिर गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी हर जगह पर कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी पांचवी अनुसूची से आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। आज भी गुजरात में आके कांग्रेस भी ये भी बता रही है कि चलो
आम आदमी पार्टी पांचवी अनुसूची दे रहे तो हम भी दे देंगे, लेकिन जो है उनका कमिटमेंट सामाजिक या मैनिफेस्टो में आज तक नहीं आया है। और जो है अगर गुजरात के लोगों को अगर पांचवी अनुसूची देना है तो राजस्थान में आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार जो है छत्तीसगढ़ में भी है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पांचवी अनुसूची लागू करिए तो गुजरात के लोगों को भी भरोसा आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है 75 साल के बाद आदिवासियों के पांचवी अनुसूची। तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट आश्वासन दे रही है, गारंटी दे रही है कि जो आदिवासी हक अधिकार हैं, जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उनको लागू किया जाएगा। लेकिन एक आशंका जो व्यक्त की जा रही है प्रफुल्ल जी, वो ये है कि आदिवासी इलाकों में कांग्रेस का अच्छा संगठन है, अच्छा जनाधार रहा है, और भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ शायद उनका गठबंधन हो तो ये गठबंधन काफी मजबूत हो सकता है। वैसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ उनकी लड़ाई होगी और उसमें बीजेपी को फायदा होगा। वैसे भी ट्राइबल वोटर्स जो रहा है अब तक वो सबसे ज्यादा वोटर्स तो कांग्रेस का पिछले सालों में रहा है, लेकिन कांग्रेस को जितना ट्राइबल वोट देते आ रहा है, जितना ट्राइबल जो है कांग्रेस के ऊपर भरोसा ट्राइबल करते आ रहा है, उतना जो है ट्राइबल के प्रति जो है उसकी लीडरशिप के प्रति जो है वो वफादारी जो है कांग्रेस पार्टी ने नहीं निभाई। इसीलिए जो है क्योंकि आज यही है कि गुजरात के अंदर जिस प्रकार से आज चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अभी ये 10 साल की राजनीति बदल चुकी है। अभी जो आदिवासी हो संवैधानिक अधिकारों की बात, और आदिवासियों को कांग्रेस को भी जो कमिटमेंट चाहे पांचवी अनुसूची के अधिकार है वो देने हैं तो वो पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू करे। अगर आदिवासी जो आज सभी जगह पर कांग्रेस पार्टी जो है पूरे ट्राइबल बेल्ट में तहसील पंचायत हार चुकी है, पूरी जिला पंचायत हार चुकी है ना, वो इसलिए हार चुकी है क्योंकि आदिवासियों के साथ जो छल कपट, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को जिताते हैं, और कांग्रेस के जीते हुए जो कैंडिडेट है वो किस प्रलोभनों के कारण वो सिर्फ बीजेपी में ही जा रहे हैं। तो अगर कांग्रेस को जिताकर बीजेपी को ही मजबूत करना है, इससे बेटर तो ये है कि जो संवैधानिक अधिकारों के जो लोग बात करते हैं पांचवी अनुसूची के 75 साल के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी गारंटी के साथ आई, ट्राइबल मुद्दों के साथ जो है इस चुनाव में आई है, तो उसको एक बार मौका देना चाहिए। इस बार सभी बुद्धिजीवी ने सभी आंदोलनकारी, आप देखते हैं पिछले कई महीनों से जो है लगातार मेरे जैसे कई आंदोलनकारी युवा जो है वो बीजेपी कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना पसंद, क्योंकि 75 साल के बाद पहली बार कोई पार्टी संवैधानिक अधिकारों के साथ मैनिफेस्टो में लेकर आई। जी, तो आप ये मानते हैं कि इस बार मतदाता के पास एक विकल्प मौजूद है आम आदमी पार्टी के रूप में, और आम आदमी पार्टी ठोस बातें कर रही है जहां तक आदिवासी मसलों का सवाल है। आपने जिक्र किया कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में लंबे समय से, उसके खिलाफ लगातार आदिवासियों के आंदोलन हुए हैं, और बेशक वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाए हों, दिल्ली तक ऐसी खबरें नहीं पहुंची हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वो मुद्दे छाए रहे हैं। हमने देखा भी, आप सब लोगों को लड़ते हुए देखा है पिछले कई सालों में। लेकिन इस चुनाव में जब आप उतर चुके हैं अब प्रचार में, क्या इस तरह के मुद्दे जो आंदोलन हुए, चाहे वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर हो, चाहे वो शेड्यूल 5 को लेकर हो, या दूसरे मसलों को लेकर हुए हों आदिवासियों के, क्या इस चुनाव में वो उनका फर्क पड़ेगा क्या? या फिर जो एक हमने देखा कि एक शोर पैदा होता है चुनाव में, एक माहौल बनता है, एक हवा बनती है, और मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। देखिए कि जब स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव होते हैं, तो उसमें जो कैंडिडेट रहते हैं उसका जो है वो अपने रिलेशन डेवलपमेंट के ऊपर भी उसका आधार रहता है। लेकिन जब लोगों को जब सरकार चुननी होती है, लोगों को विधायक चुनना होता है, तो उसमें जो है वो पार्टी का
मैनिफेस्टो और माहौल भी देखा जाता है। लगातार जो है आम आदमी पार्टी गुजरात में अभी चाहे भाजपा से भी आगे, चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे सभाएं हो, है ना, चाहे केजरीवाल जी हो या पंजाब के मुख्यमंत्री भगत मान जी हो, इतने कार्यक्रम किए हैं कि बीजेपी से उसका आधा भी बीजेपी कर नहीं पाया है। कांग्रेस तो चाहे उस कंपटीशन में है ही नहीं, है ना। तो एक तो पार्टी में हो या फिर कुछ एक माहौल भी बनता है। जब 2014 के अंदर जिस प्रकार से एक मोदी का नाम से जिस प्रकार से गुजरात में एक माहौल बना था, उससे भी बड़ा माहौल जो है इस बार गुजरात के अंदर केजरीवाल जी के नाम से माहौल बन चुका है। केजरीवाल ने जो है एक विश्वसनीयता प्राप्त की है, और जिस प्रकार से चाहे वो फ्री में बिजली की बात हो, गुजरात में महिलाओं को, हर महिलाओं को जो 18 साल के ऊपर उन्होंने हर महीने जो है वो 1,000 रुपया देने की जो बात है, हर बेरोजगार युवाओं को जो है महीने जो है वो 3,000 रुपये की बात हो, ये इस प्रकार से जो गारंटिया जो है वो उसे लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं ना। गांव गांव तक उनको पता है कि अगर हमारे घर में अगर हर मंथली, क्योंकि ये जो है सरकारें जो है वो वोट लेने के लिए 5 साल में एक बार हमें पैसा देकर चले जाते हैं, लेकिन केजरीवाल की सरकार आती है तो हमें हर महीने जो हमें बिजली फ्री मिलेगी, हर महीने हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो ये जो 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 सामान्य जन समुदाय की बात है या गांव के जो लोग है वो भी ये सोच रहे हैं कि जो हमें फायदा कर रहा है, हम तो ऐसे सरकार लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सामाजिक मुद्दे कहीं ना कहीं जो छूट रहे हैं, लेकिन हम तो जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है हम तो यही कंडीशन के साथ पार्टियों के, आम आदमी पार्टी के साथ तो आए हैं कि जितने भी ट्राइबल इश्यू जो बीजेपी कांग्रेस ने आज तक आदिवासियों को अपने संवैधानिक अधिकारों से दूर रखा है, उस संवैधानिक अधिकारों की बात हो और उसकी गारंटी जो है हमें पहले दी जाए। और उस गारंटी जब केजरीवाल जी ने ये शेड्यूल 5 का हो, पैसा हो या फिर ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन है, ये गारंटी के साथ दिया ट्राइबल क्षेत्रों की, हमारी सरकार आते ही आदिवासियों के जो अधिकार जी, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता जी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आम आदमी पार्टी ने जो जिस तरह की गारंटी दी है, जिस तरह का आश्वासन दिया है, आप उस पर भरोसा करकर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल बसावा जो कह रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो और उनसे हो सकते हैं लेकिन समय की सीमा है। प्रफुल्ल बसावा का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं, अगर उनकी सरकार बनती है तो उन वादों को लागू किया जाएगा और उससे आदिवासियों के अधिकारों की, चाहे वो संवैधानिक अधिकार हो, कानूनी अधिकार हो, उनकी जीविका और उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी बात हो, सबको सुरक्षित किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, चुनाव प्रचार में गर्मी भी बढ़ेगी, माहौल बनेगा, हवा किस तरफ चल रही है उसका भी अंदाजा होगा, किसकी सरकार बनेगी ये लगातार हम लोग रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको वहां के मुद्दों के बारे में पता चलता रहे। लेकिन फिलहाल जो एक अच्छी बात नजर आ रही है गुजरात चुनाव प्रचार में कि आदिवासियों के जो रियल इश्यूज हैं, चाहे वो संविधान की अनुसूची 5 का सवाल हो, चाहे वो जो अलग अलग प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं आदिवासी इलाकों में उससे पर्यावरण को नुकसान की बात हो, आदिवासी की जीविका की बात हो, उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, इस पर कम से कम चर्चा हो रही है इस चुनाव में। और ये कहा जाता है कि अगर आदिवासी आबादी के लिहाज से देखें गुजरात में तो हर 7वां आदमी आदिवासी है, काफी बड़ी जनसंख्या है आदिवासियों की। तो इस उम्मीद के साथ कि इस चुनाव में आदिवासी मसलों पर चर्चा और गंभीरता के साथ होगी और जो भी सरकार बनेगी उसके सामने ये टास्क रहेगा कि वो आदिवासियों से किए वादों को पूरा करे। इसी टिप्पणी के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल बसावा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार। थैंक यू।